कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण समाज का सभी वर्ग इस समय विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है और इससे रेलवे स्टैंड के ठेके संचालक भी अछूते नहीं रहे। रेलवे विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके तहत इस तिमाही की किस्त सभी रेलवे स्टैंड ठेका संचालकों को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। सभी रेलवे स्टैंड ठेका संचालक इस बात से हैरान और आहत भी हैं एवं पैसे जमा करने में असमर्थ भी। इस बात को लेकर पंडित अमित कंपनियां के साथ सभी स्टैंड ठेकेदारों ने डीआरएम ऑफिस में जाकर अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। डीआरएम मनोज गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने ठेका संचालकों को राहत दिलाने के अनुरोध मुख्यालय के माध्यम से पहले ही रेलवे बोर्ड से किया हुआ है। बोर्ड की तरफ से अब तक कोई निर्णय सम्मत आदेश जारी नहीं हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में सभी रेलवे स्टैंड ठेकेदारों को अपनी किस्त का पैसा जमा करना चाहिए। यदि वहां से कोई राहत भरा आदेश आता है तो उसका लाभ रेलवे स्टैंड के ठेकेदारों को अवश्य मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए पंडित अमित कंपनियां ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के सभी रेलवे स्टैंड ठेकेदारों को उनके ठेके की तिमाही या वार्षिक किस्त जमा करने का आदेश दिया गया है और जमा न करने पर उनके ठेके निरस्त करने की बात भी आदेश में लिखी है। कोरोना वायरस की इस विषम परिस्थिति में जहां समाज का सभी वर्ग परेशान है, वहीं रेलवे स्टैंड ठेकेदारों से तिमाही किस्त नहीं वसूल की जानी चाहिए, इन्हें राहत मिलनी चाहिए। तो हम लोग सब लोगों ने एक ज्ञापन अभी सौंपा है मुझे, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जो है लाइसेंस के लोगों को दी जाती है, जो रेलवे प्रशासन को देना दे होता है, तो इन लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन हुआ था इसलिए हम लोग इसको नहीं दे पाएंगे। तो हम लोगों ने रेलवे प्रशासन ने भी इसको पहले ही उनके ज्ञापन के पहले ही जो है हम लोगों ने इसके लिए मुख्यालय को पत्र लिखा है। मुख्यालय ने भी इसको आगे रेलवे बोर्ड दिल्ली में भी मतलब कार्रवाई के लिए कि वहाँ से निर्णय के लिए पत्र लिखा गया है। तो हम लोग जैसे कार्रवाई वहाँ से जो कार्रवाई होती है लाइसेंस की लेना है या इसकी लाइसेंस की जो अवधि है उसको बढ़ाना है, इसके लिए जो है जैसे निर्णय आएगा उन लोगों को सबको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये आदेश है कि जो भी लाइसेंस फी है जो भी लाइसेंस फी है वो अभी जमा कराएंगे अभी फिलहाल, और जैसे आएगा रेलवे ना तो रेलवे जा रही है ना ये अपने खरीदार जा रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जैसे मतलब ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न है। तो ऐसा जो है तो इसको ये जो ज्ञापन प्राप्त हुआ इसको पूरा हम लोग और भी लगातार शासन प्रशासन जो है ठीक है आपका बोलना सही है। तो हम लोगों ने उसी के वही जो सरकार ने कही है ठेकेदारों को पत्र भेजे जा रहे हैं, पत्र हम लोगों ने ठेकेदार से जो भी प्राप्त हुए हैं और हम लोगों ने भी अपने स्तर पर हम लोगों ने उसको पत्र को आगे भिजवाया है कि वहाँ से निर्णय आ जाए, तो लेकिन अभी निर्णय नहीं आया है। निर्णय आप अच्छी आपका सुनना मनोज कुमार आज पश्चिम मध्य रेलवे के आने अंतर्गत आने वाले समस्त पार्किंग के ठेकेदार, पूरे मध्य प्रदेश के ठेकेदार आज के कार्यालय जबलपुर में उपस्थित हुए हैं। वो अपनी विशेष मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें से जहां भी मंडल के अंतर्गत जो रेलवे पार्किंग का ठेका है और ये वैश्विक आपदा जो कोरोना के चलते पूरे देश की और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनें बंद हुई हैं, हवाई यात्रा बंद हुई हैं और यात्रियों का आवागमन बंद हुआ है, उसके चक्कर में सभी पार्किंग ठेकेदारों को भारी से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सभी ठेकेदार अपनी जो त्रैमासिक और वार्षिक किस्त है वो जमा करने में असमर्थ हैं। उसके बाद मनमाना तरीका अपनाते हुए रेलवे प्रशासन ने जिस तरीके से सभी ठेकेदारों को किस्त के लेटर भेजे हैं और उनको चेतावनी दी कि अगर आप शीघ्र से शीघ्र अपनी किस्त नहीं जमा करते तो आप लोग का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा, उसके विरोध में हम लोग अभी डीआरएम कार्यालय में पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ प्रबंधक जी से मिलने आए हैं। हम लोग अनुरोध करेंगे अन्यथा के तौर पर अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो समस्त ठेकेदार मिलकर एक साथ पूरे पार्किंग के ठेके छोड़ देंगे। जय हिंद जय भारत। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।